हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, इधर बकरी लेके आया। और आइए आज आप लोग को झरना का पानी दिखाता हूँ मैं, जो कि कल तलक तो एकदम उजड़ा चमन था जैसे, अभी हरियाली आना शुरू हो गया। और वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाली घंटी भी दबा लेना। दोस्तों सऊदी अरब जंगल का हाल समाचार आप लोग को देते रहता हूँ। बकरियों, ऊँट और सांडा है, तीन चीज में ज़्यादातर करके, और खजूर भी है, आते रहता हूँ वीडियो लेके। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, आप लोग को आगे चल के दिखाएंगे झरना का पानी जो कि इकट्ठा हुआ और कैसे इकट्ठा होता है। और आप लोग को मालूम होगा शायद कि सऊदी अरब में बारिश तो खास करके ज़्यादा नहीं होता है, यही ठंड का महीना जब चलता है तो होता है, लेकिन आज तो पहली बार शुरू में ही बारिश हो चुका। अब आखिरी तक देखो क्या होता है, कितना बारिश होता है। ऐसे ऊंट बकरी चराने वाले लोग का तो हाल बेहाल है अभी, कहने मान की नहीं है। बाकी आइए हम आप लोग को दिखाते हैं, जो कि दोस्तों जब बारिश होता है तो ऐसा मालूम पड़ता है पानी पहाड़ियों पर से भागता है, एकदम झरना की तरह भागते रहता है। तो दोस्तों आइए हम आप लोग को दिखाते हैं, जो कि उधर वो पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा, अभी ज़्यादा दूर है, कम से कम 2 किलोमीटर पड़ जाएगा, ऊंची पहाड़ी है, 2-3 पहाड़ी है एकदम ऊँची, उस पर से पानी गिरता है और गिरते गिरते आता है और एक जगह जमा होता है। जब जमा फुल हो जाता है उसके बाद पानी आगे निकलता है, और आप लोग को दिखाएंगे वो भी पानी, जो कि जानवर के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है, जानवर पीते हैं। और 2-3 महीना तक पानी बंद रहता है, यानी कम ख़त्म हो जाता है, उतने समय जानवर को थोड़ा परेशानी होती है, नहीं तो फिर अब के साल तो बहुत पहले बारिश हो गया। तो आइए वीडियो में बने रहें दोस्तों, और हम बकरी चराते चराते चल रहे हैं, जो कि वहाँ तक लेके चलेंगे, बैक कैमरा से आप लोग को दिखाएंगे। यह सब पहाड़ी है और पहाड़ियों में बकरियाँ लेके आया हूँ। और आइए हम बताते हैं कि ये देख सकते हैं, इधर बड़ी बड़ी पहाड़ी है, थोड़ा दूर पे है, नज़दीक नहीं है, अभी कम से कम 1 किलोमीटर दूर है, इसके लिए थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और इन पहाड़ियों का क्या खासियत है कि ये जो पानी है, इस पानी का इज्जत करते हैं सऊदी, जो सऊदी अरब में आदमी हैं सऊदी लोग इज्जत करते हैं। और आइए आप लोग को दिखाएंगे वो पानी, और उसमें से पानी भर के लेके जाते हैं पीने के लिए, जो कि पीने के लिए लेके भी जाते हैं, जानवर भी पीते हैं, बकरी ऊँट सब पीते हैं, और जंगली जो जानवर होते हैं वो भी पीते हैं, और हम लोग को भी बोलते हैं पीने के लिए, लेकिन वही है कि अपनी अपनी मर्जी रहती है, खासियत तो नहीं जानते हैं हम, इसके लिए कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं कि पीना पड़े, और पी लेना भी चाहिए। बाकी बाहरी जो जंगल में आदमी दौड़ते धूपते रहते हैं, अगर प्यास वास लग जाता है तो पी भी लेते हैं, पानी पीते रहें। और सऊदी तो अक्सर करके पीते हैं, लेके जाते हैं चाय कहवा, आप लोग को मालूम होगा शायद, चाय कहवा बनाते हैं, इसी पानी से बनाते हैं, जो कि भर के रख लेते हैं और बना के पीते रहते हैं। तो आइए आप लोग को पानी भी दिखाएंगे हम, वीडियो में बने रहें दोस्तों। यही वो पानी है जो कि आदमी पीते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और चाय कहवा के लिए लेके भी जाते हैं, और मैं खुद भी लेके गया हूँ, क्योंकि वीडियो भी डाला हूँ 6-7 महीना पहले की दोस्तों, जो कि 6-7 महीना पहले भरते हुए वीडियो बना के डाला हूँ, गाड़ी से लेके गए थे 2 गैलन। आप यकीन न हो तो वो वीडियो देखें और जान जाएंगे। बाकी दोस्तों इधर ऐसा पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पे से झरना की तरह आता है, जो कि दूर है, नज़दीक नहीं है, कम से कम 150-150 किलोमीटर दूर हो चुका। और ये हमारी बकरियां हैं जो कि आ रही हैं, और थोड़ा करीब करके पहाड़ी दिखाते हैं आप लोग को। यह देखें, एक ये है और एक यह है और एक इधर है, 3 पहाड़ी है, यानी 1, 2
तीन तीन पहाड़ी है, इसी का पानी यहाँ आके इकट्ठा होता है, यहीं से पानी या भर के लेके जाते हैं दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन वाली घंटी भी दबा लेना। हमें भी इजाज़त दें, जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना दोस्तों।